राहुल गांधी को क्यों नहीं लग रही ठंड? शनिवार की सुबह दिल्ली में दाखिल हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। ठंड के बावजूद टी शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कब तक पहनेंगे टी शर्ट? कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लीड कर रहे हैं, इस ठंड के बावजूद मात्र टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। शनिवार की सुबह राहुल गांधी की यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया, जो पिछले कुछ दिनों से एक डिजिट में टेम्परेचर दर्ज कर रहा है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख को सोमवार को दिल्ली में दिसंबर की सर्द सुबह वही सफेद टी शर्ट पहने देखा गया था, जब वो महात्मा गांधी और कई प्रधानमंत्रियों की स्मारकों पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे। 52 वर्षीय कांग्रेस नेता ने कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर सभी को हैरान कर दिया है और कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें ठंड नहीं लगती। इससे पहले आज जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि वो टी शर्ट में कब तक दिखाई देंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक मैं कर सकता हूँ मैं इस टी शर्ट को पहनना जारी रखूंगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये पैदल मार्च कांग्रेस की एक जन यात्रा पहल है, जो 7 सितंबर को शुरू हुई थी। अब तक ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों को कवर कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी के कैरेक्टर का लचीलापन और करुणा फैलाने का उनका संकल्प ही एकमात्र मुद्दा है, जो कपड़े वो या कोई और भी पहनता है। सुरजेवाला ने कहा कि चौतरफा महंगाई, बेरोजगारी और मनगढ़ंत नफरत का माहौल कड़ाके की ठंड से ज्यादा काटता है और गांधी का दृढ़ संकल्प दिल्ली की सर्दी की बजाय इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी हैरानी जताई कि कड़ाके की ठंड में कोई टी शर्ट कैसे पहन सकता है। श्रीनेत ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, केवल एक टी शर्ट में कोई 6 डिग्री में कैसे जीवित रह सकता है, केवल तपस्वियों में ही ऐसा आत्मसंयम और आत्मशक्ति हो सकती है। श्रीनेत ने कहा, बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में क्रिसमस की छुट्टियों पर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस कड़ाके की ठंड में जब बीजेपी के मंत्री, नेता और प्रवक्ता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं राहुल गांधी ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारकों पर गए और अपनी तपस्या पूरी की। बदरपुर बॉर्डर से जब ये यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई, तो हजारों का जो काफिला था वो भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पड़ाव के अंत यानी लाल किला पहुंचने तक कई लाखों की संख्या में तब्दील हो गया। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।